वेलकम बैक टू अनलिमिटेड एजुकेशन फ्रेंड्स, मैं हूं अभिजीत कुमार। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेरीज जो आप लोगों के बीच में है, मैं देखता हूं, मैंने टेलीग्राम ग्रुप बोर्ड वाइज बनाया हुआ है, तो वहां पे देखता हूं सारे के सारे EWS वाले परेशान हैं, है ना। रांची बोर्ड में 1200 के आसपास मेंबर हैं, मालदा बोर्ड में 700 के आसपास मेंबर हैं, आपका बेंगलोर कोलकाता सब में 600 प्लस के आसपास मेंबर हैं, और ऐसे करके जितना भी बोर्ड है सब में ऐसे ही करके स्टूडेंट हैं। और वो सब EWS जिसका भी है, जिसने भी EWS से फॉर्म भरा हुआ, सबके सब परेशान हैं। बोर्ड वाइज ग्रुप का फायदा यही है कि आप जिस बोर्ड से फॉर्म भरे होगे, आप 5, 10, 15, 20 फ्रेंड को जानते होगे, लेकिन अगर मान करके चलो आपने रांची बोर्ड भरा और रांची बोर्ड का ग्रुप आप ज्वाइन करोगे, तो वहाँ पे 1200 ऐसे स्टूडेंट आपको मिलेंगे जिन्होंने रांची बोर्ड से फॉर्म भरा हुआ है, है ना। तो इसीलिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया हूँ, आप लोग जिस बोर्ड से फॉर्म भरे हो उस बोर्ड का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। एक स्टूडेंट एक ही ग्रुप ज्वाइन करेगा, ओके। चलो, इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपका RTI लगा करके पूछा गया है, फाइनेंशियल ईयर, किस फाइनेंशियल ईयर का EWS सर्टिफिकेट चाहिए, है ना। और RTI में रिप्लाई भी आपका आया था, जैसे कि आपका कुछ दिन पहले एक RTI का रिप्लाई इस टाइप का था, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था आपका कि आपका जो है सो फाइनेंशियल ईयर 17-18, यहाँ पे देखो फॉर द ईयर 2017-18 ओनली लिखा हुआ है। याद रखना, रेलवे का एक एक वर्ड इम्पोर्टेंट होता है, वो काफ़ी सोच समझ के लिखता है। तो इन्होंने लिखा कि 2017-18 का फाइनेंशियल ईयर का जो है सो EWS सर्टिफिकेट लगेगा, इसीलिए कि आपका फॉर्म जब आया था उसका आपका रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट जो है वो 31 मार्च 2019 था, है ना। तो आपको जो है सो फॉर्म अप्लाई करने से पहले के डेट का EWS सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। हालांकि बाद में क्या हुआ था, आपका वो EWS कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट नंबर था सर्टिफिकेट का, वो मांग रहा था, और बाद में एप्लीकेशन का लिंक मॉडिफाई करके वो बोला क्या आपको नहीं देना है, है ना। तो इससे ये भी रिजल्ट निकल सकता है कि आपको जो है सो वो कोई नोटिस निकाल के चेंज करेगा। और वैसे भी रेलवे क्या करता है, वो एक पैराग्राफ में साफ साफ लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द इंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस, रेलवे के पास ये राइट है कि वो कुछ भी कर सकता है, मतलब वैकेंसी को डिक्रीज तक कर सकता है। 2015-16 के वैकेंसी में तो उन्होंने जो है सो काफ़ी वैकेंसी को डिक्रीज कर दिया था आपका CBT2 एग्जाम के बाद, तो वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। अब यहाँ पे एक और RTI का रिप्लाई आया हुआ है, जिसमें कुछ स्टूडेंट ने डायरेक्ट इस तरह से लिखा कि सर, मैंने अप्लाई किया हुआ NTPC का और मैं EWS कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, और मेरे पास 2019-20 का फाइनेंशियल ईयर का EWS सर्टिफिकेट है जो कि आपका 2020-21 के लिए वैलिड है, है ना। साफ साफ लिखा है कि मेरे पास 2019-20 का सर्टिफिकेट है जो कि 2021 के लिए वैलिड है, तो विच फाइनेंशियल ईयर EWS सर्टिफिकेट एक्सेप्टेबल ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस ईयर का फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट मुझे जमा करना है, और ये आपका लेटेस्ट है 5 फरवरी को आपका आया हुआ है रिप्लाई, और इसमें भी उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि प्लीज रेफर द नोटिफिकेशन एंड कोरिजेंडम एंड अमेंडमेंट टू CN 01/2019 आपका 14 मार्च 2019 फॉर पारा 8.4 एंड 8.6 पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल वेबसाइट रिगार्डिंग EWS सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब ये पारा 1.4 और 1.6 क्या है, तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जब जाते हो तो आपका 1.8.4 जो है सॉरी 8.4 पारा, उसमें तो आपका क्या क्या क्राइटेरिया है EWS के लिए वो है, और 8.6 में आप देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि EWS स्टेटस एज ऑन द क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर दिस CN शैल ऑनली बी कंसिडर्ड फॉर अवेलिंग रिजर्वेशन बेनिफिट If eligible and any change in the EWS status of the candidate thereafter
शैल नॉट बी इंटरटेन्ड। ओके, और यहाँ पे इस आरटीआई में एक चीज़ और लिखा हुआ था कि अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको जो है सो वो जनरल से कंसीडर किया जाएगा। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आता है एक दो बात जिसको आप लोग अच्छे से समझने का कोशिश करो। पॉइंट नंबर वन, आपका अभी CBT1 एग्जाम चल रहा है। अगर आपका CBT1 एग्जाम हो चुका है तो आप लोग जा करके CBT2 एग्जाम का सीरियसली प्रिपेरेशन करो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, उसको डाउनलोड कर लो और वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करो। वहाँ पे सब कुछ अभी से ही आपको अवेलेबल है और धीरे धीरे कंटेंट जो है आपका CBT2 लेवल का अपडेट हो रहा है। अगर जिसका CBT1 का एग्जाम नहीं हुआ है, आप लोग क्या करो, CBT1 एग्जाम का प्रिपेरेशन करते रहो। CBT1 जब पास करोगे तभी तो CBT2 दोगे ना, और CBT2 जब पास करोगे तो आप CBT3 दोगे जिसमें है जैसे साइकोटाइपिंग, और उसके बाद आपका मेडिकल DP होगा। तो DP के टाइम पे आपको EWS सर्टिफिकेट लगेगा ना, तो उसके लिए आप लोग अभी क्यों परेशान हो रहे हो। DP कम से कम आपका मिनिमम 1 ईयर लगने वाला है, मिनिमम आपका DP में 1 ईयर लगने वाला है। तो अभी से आप लोग परेशान होके वेस्टेज ऑफ टाइम इसको बोलते हैं कि फालतू का आप लोग परेशान हो रहे हो, ठीक है। अगर रेलवे को कोई नोटिस निकालना होगा या कोई इन्फॉर्मेशन चेंज करना होगा तो वो कर देगा और वो हम लोग आपको तुरंत बता देंगे। आज वो चेंज करेगा और आज ही के रेट में आपको पता चल जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कोई सा भी अपडेट आप लोगों को मिस नहीं होगा, घर बैठे सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। तो ये आपको समझ में आया। तो मेन पॉइंट क्या है, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको पढ़ाई करना है। आप अभी जो है सो सिर्फ पढ़ाई करो, क्योंकि अभी आपको CBT1 है, CBT2 है, CBT3 है, बहुत सारा प्रोसेस है। ओके, ये 1 साल के बाद होगा तो 1 साल के बाद सोचना, टेंशन भी लेना होगा तो 1 साल के बाद लेना। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और, कि उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट नहीं है या आपका वैलिड नहीं है तो आपको जो है वो जनरल कैटेगरी में कंसीडर करेगा। तो हमेशा बेस्ट और वर्स्ट दोनों कंडीशन लेके चलना चाहिए, है ना। बेस्ट क्या है कि आपका EWS सर्टिफिकेट जो है सो आपके पास है तो आपका मार्क्स कम भी आएगा तो आप आराम से दिखा करके सिलेक्शन ले लोगे। और वर्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर आपका EWS सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर दिया तो आपको वो जनरल से कंसीडर करेगा। तो क्यों ना हम इस हिसाब से पढ़ाई करें कि मेरा मार्क्स जनरल कैटेगरी के हिसाब से आ जाए और मेरा जो है सिलेक्शन वो जनरल कैटेगरी में हो जाए। तो आप लोगों के पास दोनों ऑप्शन है, आप लोगों को जो है सो टेंशन नहीं लेना है। बेस्ट में EWS सर्टिफिकेट और वर्स्ट में आपको पढ़ाई अच्छे से करना है ताकि आप बेस्ट में आ सको, ठीक है। तो आप लोगों को अल्टीमेटली सिर्फ एक रिजल्ट निकलता है कि आप लोगों को जो है मन से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है और इतने अच्छे से पढ़ना है कि जनरल कैटेगरी में ही सारे EWS वालों का सिलेक्शन हो सके। ओके, चलो। और वो अच्छे से कैसे पढ़ोगे और अच्छा स्कोर कैसे करोगे, उसके लिए आपको प्रॉपर गाइडलाइंस चाहिए, कॉन्सेप्चुअल स्टडी चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, टेस्ट सीरीज से लेके वीडियो लेक्चर से लेके सब कुछ एग्जाम ओरिएंटेड चाहिए, जो कि सब कुछ अवेलेबल है। काफ़ी लोग वहाँ पे पढ़ रहे हैं, आई थिंक 7000 प्लस स्टूडेंट। तो आप लोग वहाँ पे आ जाओ, डिस्क्रिप्शन में टॉप में ही ऐप का लिंक है, आप लोग डाउनलोड कर लो और सीरियसली जो है सो वहाँ पे पढ़ाई करो। और अगर किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है मैसेज करना, इंस्टेंट डिस्काउंट आपके डिमांड पे दे दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मन से पढ़ाई करो। थैंक यू।